हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 13 मार्च से 19 मार्च तक के लिए है। वीकली रीडिंग्स होंगी, सारी राशियों की रीडिंग करूंगी। इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है? देखो, मैं कहूंगी कि मून साइन के अकॉर्डिंग देखो, आपके नाम के अकॉर्डिंग देखो तो ज़्यादा अच्छा है। बट आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ और बाकी लाइक लग्न राशि, असेंडेंट, राइजिंग साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है? बट हो सके अगर आप अपने नाम के अनुसार जानते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, आपको अपने नाम के अनुसार नहीं पता, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिटेल्स डाले हुए हैं। अगर आप नीचे नीचे जाएंगे आप देखेंगे मैंने वहाँ पर नाम के अनुसार और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बताया है किसकी कौन सी राशि हो सकती है। थोड़ी सी हेल्प अपनी खुद करें और खुद चेक करें आपकी राशि, ठीक है? ये जो वीकली रीडिंग्स होंगी मैं एक एक राशि के अनुसार अपलोड करती जाऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को वीकली रीडिंग्स देखना बहुत पसंद है तो लाइक करके सपोर्ट करें इस वीडियोस को और चैनल को, ताकि मुझे आइडिया लगे कि मुझे इस टॉपिक पे और बनाना चाहिए। आज के जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे 13 से 19 मार्च तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, उनके एक्शंस क्या होंगे। ये रीडिंग आपकी राशि पर आधारित होगी, जो आपकी राशि होगी वही आपकी रीडिंग होगी, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं देखनी, अपनी राशि के अनुसार रीडिंग देखनी है, उनकी फीलिंग्स, उनके इस वीक के एक्शंस क्या होंगे आपके लिए, ठीक है? एक एक करके राशि शुरू करेंगे। दो डेक्स का इस्तेमाल करेंगे, ओरेकल कार्ड्स हैं और यहाँ पर जो है हम लोगों के राइट ऑफ वेट्स हैं। और यस, ध्यान रखना रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। अगर आप लोगों को हीलिंग, बिजनेस या फाइनेंस या लव रिलेटेड, रोमांस रिलेटेड, एनी जर्नी रिलेटेड, स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई ब्रेसलेट्स बनवाने हैं तो आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट होता है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? बिना ज़्यादा समय गवाए अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। अभी जो मैं राशि करने जा रही हूँ ये है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। सबसे पहले देखेंगे कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं 13 से 19 मार्च तक। लव लाइफ जेमिनी राशि वालों के लिए बताएं क्या अपडेट है। 13 टू 19 मार्च जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। फ्री योर सेल्फ की एनर्जी है, ओके। अब मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों के, एक मिनट, ये सीधा है कि नहीं, सीधे पर। जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 13 टू 19 मार्च क्या होंगी जेमिनी राशि वालों के लिए। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों की एनर्जी 13 टू 19 मार्च क्या होंगी। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे 13 टू 19 मार्च, 13 से 19 मार्च तक इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। टावर विद द मून, ओके। जेमिनी राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेकर इनसिक्योरिटीज़ पैदा होगी इस वीक के लिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये वीक वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जैसे कि या तो आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, किसी और व्यक्ति से कहीं ना कहीं जलस होंगे, या आप किसी के साथ कोई फोटो या स्टेटस लगा देंगे जिससे कहीं ना कहीं ये जलस फील करेंगे। आपकी खूबसूरती से हो सकता है ये जलस फील करें, आपके खुश रहने से, हैप्पीनेस से जलस फील करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ऐसा फील करेंगे कि मानो उनके जीवन से वो एक बहुत बड़ा फेलियर फेस कर रहे हैं, उनके जीवन में वो बहुत बड़ी हार को महसूस करेंगे कहीं ना कहीं इस हफ़्ते वो आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करेंगे। आपके लिए इनके मन में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर वो आपको वापस पाने की चाहत रखेंगे, वापस आपके जीवन में बोलते हैं ना दोबारा पुराना वाला प्यार हासिल करने की इच्छा रखेंगे। ऐसी एनर्जी है कहीं ना कहीं इनके मन में, आपके लिए फ्लर्टिशियस और रोमांटिक एनर्जीज डेवलप्ड होंगी। ये आपके लिए कुछ करना चाहेंगे, आपकी
आपके पास आना चाहेंगे, आपको फील करना चाहेंगे कि एनर्जी ज़्यादा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा अचानक से एक चेजिंग एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चेज करेंगे और बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे। आपको लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी। कहीं ना कहीं ये आपको लेकर ऐसा फील करेंगे कि क्यों आप उनके जीवन में नहीं हो, आखिर क्यों आप उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो, आखिर क्यों वो आपसे इतने दूर हो गए, कहाँ से इतने डिफरेंसेस आ गए। इस तरीके की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस आ गए हैं, जो दूरियां आ गई हैं, वो कम हो जाए। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज़ मैं रिफ्लेक्शन में देख पाई हूँ, ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टिशियस टाइप के हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है या तो फ्लर्टिशियस है या तो एक टाइम पे दो नाव पे पैर रखकर बैठे हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है आपको प्रॉपरली कमिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये प्रॉपर जो कमिटमेंट या प्रॉपर जो स्टैंड लेना है वो ये नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई है ऑब्स्टेकल में। ऐसा लग रहा है कि इनको जो एक जेन्युइन एक्शन लेना चाहिए, जो जेन्युइन कमिटमेंट देना चाहिए, जो स्टैंड लेना चाहिए, वो ये नहीं ले रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। फ्लर्टिशियस बातें करवा लो, प्यार भरी बातें करवा लो, या फिज़िकल लेवल पे बोलो, तो ये सब चीज़ों में ये एक्टिव है, बट मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव है, बट बात करें आपके लिए कुछ करने की या कुछ एक्टिवनेस दिखाने की, तो वहाँ ये एकदम टाइम टाइम फिस वाली एनर्जी दे देते हैं। आपके पार्टनर जो हैं, अगर मैं ओवरऑल एनर्जीज़ को चेक करूँ, तो आपके पार्टनर्स को मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत मूड स्विंग से गुजरेंगे। एक पल बहुत प्यार आएगा, दूसरे पल आप पे बहुत नाराज़गी भी होगी कि क्यों आप जो है इतनी आसानी से जो है आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, इतने खुश कैसे रहने लगे। एक पल बहुत जलस फील करेंगे, इनसिक्योर फील करेंगे। आपके पार्टनर का अपने मूड स्विंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, इरिटेट होने लगेंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा उनको। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक्शंस की मैं जहाँ तक बात करूँ, फीलिंग्स में मुझे डेफिनेटली कुछ एक्शंस दिख रहे हैं, लेकिन जहाँ मैंने एक्शन का स्पेशल कार्ड निकाला तो वहाँ पर मुझे एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओवरथिंकिंग बहुत करेंगे, आपको खोने का डर बहुत रहेगा, थोड़ी सी डिप्रेसिव या एनजाइटी की एनर्जी रहेगी, जहाँ पर इनको लगेगा कि शायद इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बैटल को हारा है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील होगी जहाँ पर इनको लगेगा कि शायद आपके जीवन में अब आपको बहुत कोई मिल गया है, कोई आपके लिए बहुत स्पेशल हो गया है, जिसको लेकर ये बहुत उदास और रेस्टलेस होंगे। ये कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करेंगे, किसी फेक अकाउंट से भी हो सकता है, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इन चीज़ों को, देख पाएंगे बाकायदा कि आपके पीछे कैसे भाग रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी को देख पाएंगे। और ये इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ये आपको लेकर बहुत ऐसा मान लेंगे कि शायद आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, और शायद आप इनके बिना बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में अब आप बहुत सेटल हो गए हैं। और उसका रीज़न मैं बताती हूँ, उसका रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश और अपने आप में बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट जोन में रहेंगे, यानी कि आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिएंगे, खुद की काफ़ी सेल्फ केयर करेंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, कुछ नई नई चीज़ें करेंगे, नए स्टेटस या कुछ नए आईडीज़ वगैरह या फोटोज़ वगैरह आप जो है पोस्ट करेंगे, कुछ ऐसी एनर्जी जिसमें आपके अंदर जो है एक अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा लोगों को, आपके अंदर की एक शाइन देखने को लोगों को मिलेगी। आप कहीं ड्रेस्ड अप होके हो सकता है कोई पार्टी अटेंड करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अर्न करेंगे, आप खुद से बहुत प्यार करेंगे, आप खुद में बहुत खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और यही आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा जलस फील कराएगा। आपके आसपास जो आप अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं, इसी से ही ये कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो जाएंगे, इसी से ही ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि शायद इन्होंने देर कर दी है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, जैमिनी राशि वालों के लिए एडवाइस क्या है। 10 of Wands, बिना वजह बर्डन उठाना बंद करो अपने रिश्ते का, ठीक है। अब आप बहुत सही जोन पे हो, ठीक है, आप बहुत राइट ट्रैक पे आ चुके हो, पर अब आपको बर्डन नहीं उठाना है रिलेशनशिप का। आपने जितना करना है अपना बेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, अपना बेस्ट दिया है, हमेशा ओवरडू किया है इस रिलेशनशिप में। इस बार आपको बर्डन नहीं उठाना है, इस बार आपको ट्राई करना है कि सामने वाला आपके लिए कोई एफर्ट डाले, सामने वाला आपके लिए या सामने वाली आपके लिए कुछ करे, वो कुछ प्रूव करें आपको कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आप
को साबित करें अपने एक्शन से कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त आपको जो है अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, सामने वाले के लिए वेट करना है कि वो आपका बोझ उठाए। वेट मतलब आपको वेट नहीं करना है, बहुत मुश्किल से एक अच्छी एनर्जी और जोन में आए हैं, इस जोन को कंटिन्यू रखना है। फ्री योर सेल्फ का कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, जो कि आपको ओरेकल कार्ड है जो आपको कहता है इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब अगर अब आप देखें तो अपने आप को बिना वजह कंट्रोल करना बंद करें, अब आप थोड़े से फ्री कर लें खुद को। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपने खुद को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखा है पिछले बहुत टाइम से, आप उनकी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, आप उनकी पसंद का खाना खाते हैं, तो इस वक्त इस बार आप वो करें जो आपको पसंद है। इस बार वो चीज़ें करें जो आपके दिल को भाती हैं। आपको क्या खाना पसंद है आप वो खाएं, आपको किसी से मिलना है आप मिलने का प्रयास करें। इस समय आपको एक फ्री बर्ड बनना पड़ेगा, एक तरीके से उड़ना पड़ेगा, आज़ाद होकर अपने शर्तों पे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को हैंडल करना होगा। ओनली देन आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन में कुछ मिरेकल क्रिएट हो पाएगा। वरना आप जिस तरीके से अगर बार बार बर्डन उठाते रहे, उससे चांसेस है कि बार बार आप किसी न किसी स्ट्रेस का सामना करेंगे। इसलिए यूनिवर्स ने आपके लिए यही मैसेज दिया है कि इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यानी कि आप अपना जो कंट्रोल उनको देकर बैठे हैं कि तुम मुझे चलाओ, तुम मुझे जीना सिखाओ, या तुम ही मुझे डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, उस कंट्रोल को आप उनसे छीने और अपने आप पर काम करें। आपके जीवन में जब आप उनसे कंट्रोल छीनेंगे और अपनी शर्तों पर जिएंगे, तब आएगा मज़ा, क्योंकि तब आपके पार्टनर को पता चलेगा आप क्या चीज़ है और वो आपकी वर्थ को समझ पाएंगे। इस वीक ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शंस तो नहीं दिख रहे, लेकिन फीलिंग्स में ढेर सारे एक्शंस है, तड़प है, बेचैनी है और कहीं ना कहीं एक तरीके की क्रेविंग और पागलपन देखी जा सकती है, ठीक है। सो ये थी जेमिनी राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को, ताकि आपके लिए वीकली रीडिंग इसी टॉपिक में मैं और भी पोस्ट करती रहूँ। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।